शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम इस उम्मीद के साथ कि हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा नाजरीन हमारा पिछला प्रोग्राम खास तौर पर बिगनर्स के लिए था हमने कोशिश की कि उन तमाम सवालत के जवाब हम दें जो किसी बिगनर्स के जहन में आ सकते हैं आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सी एस एस एग्ज़ाम्स के जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमने स्टूडियो में दावत दी है हमारे मेहमान हैं सी एस एस मंटोर हैं इसके अलावा वो न्यूज़ एंकर भी हैं जनाब अहमद राना साहब सर थैंक यू सो मच एंड वेरी वाम वेलकम बहुत शुक्रिया थैंक यू इसनाद अच्छा सर ऐसे है कि जो एस सी एस एस के एग्ज़ाम्स में बेसिकली ट्वेल्व सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें से सिक्स कंपलसरी होते हैं और सिक्स जो है वो ऑप्शनल होते हैं आज के प्रोग्राम में हम कंपलसरी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे सर काइंडली नाजरीन को बता दीजिए वो सिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बहुत आदिल अच्छा जैसे आदिल आपने कहा कि 12 सब्जेक्ट्स होते हैं तो बेसिकली 12 सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है कॉन्सेप्ट यह है कि बारह सौ नंबर्स पर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है और उस रिटर्न एग्ज़ाम में जो कंपलसरी का पोर्शन है वो एक पोर्शन है जिसके 600 नंबर होते हैं और जो ऑप्शनल का पोर्शन है उसमें से आपको छः नंबर के कोश्चन् छः नंबर के पेपर्स को ऑप्ट करना होता है कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं ऑप्शनल में जिनमें कुछ सब्जेक्ट्स टू मार्क्स के हैं इस वजह से फिर अगर आपने एक टू हंड्रेड मार्क्स का चूज़ कर लिया तो फिर आप पांच टोटल सब्जेक्ट्स पे जा रहे होते हैं तो टोटल मार्क्स बारह सौ होते हैं और बारह सौ में स्पेसिफ़िकली अगर हम आज जैसे आज का आपने प्रोग्राम के हवाले से इंट्रो में कहा कि आज हम सिर्फ कम्पल्सरी पर बात करेंगे तो जो कंपल्सरीज के आ, टोटल छः पेपर हैं उन छः पेपर्स का क्राइटेरियन आ, पे पी आ, पी पी एस सी ने इस तरह से एडजस्ट किया है कि जो इंग्लिश ऐसे है वो एक सौ नंबर का होता है उसमें दूसरा पेपर है इंग्लिश प्रेसी एंड ग्रामर कॉम्पोजिशन के हवाले से वो भी सौ नंबर का होता है तमाम सौ सौ नंबर के हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात और फिर उसमें करंट अफेयर्स ये ये छह सब्जेक्ट्स हैं जो कंपल्सरीज में आ, आते हैं जिन पर आपको सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी लिखना होता है जी सर सर जनरल साइंस एंड एबिलिटी से शुरू करते हैं सर पहले सबसे तो बताइएगा कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी जैसा कि आपने बता दिया टोटल मार्क्स इसके हंड्रेड होते हैं ये बता दीजिए इसके पोर्शन कितने होते हैं पार्ट्स कितने होते हैं मेरा कहने का मतलब यह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आई अच्छा आदिल इसमें ऐसा है कि जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है इस पेपर में दो पार्ट्स होते हैं पार्ट वन एंड पार्ट टू पार्ट uh, वन के अंदर सिर्फ जनरल साइंस से रिलेटेड चीज़ें आती हैं जैसे फिज़िक्स है केमिस्ट्री है बायोलॉजी है एनवायरमेंटल साइंसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं और जनरल साइंस से मुतलिक कुछ भी चीज़ें और उसके पांच डिफरेंट पार्ट्स हैं जो सिलेबस के अंदर प्रॉपर डिफ़ाइन किए गए हैं uh, जो इसका दूसरा पार्ट है वो चालीस नंबर का है तो साठ नंबर का जनरल साइंस का पोर्शन और चालीस नंबर का एबिलिटी का पोर्शन जिसको हम Uh, वैसे तो मैथ्स का पोर्शन कहते हैं लेकिन इसके अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं और 2016 में जब सी का कोर्स रिवाइज हुआ सारा सिलेबस uh, रिवाइज हुआ तो उस वक्त इस चालीस नंबर को एड किया गया था जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर और उस वक्त इस सब्जेक्ट का नाम होता था एवरीडे साइंस तो इसको ई एवरीडे साइंस कहा जाता है इसमें मैथ्स ऐड करने के बाद अब ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी हो गया टोटली हंड्रेड मार्क्स बनते हैं और इसका जब पेपर आता है तो उसमें 20 मार्क्स एम के हैं और 80 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव के हैं और वो इन दोनों एरियाज़ को कंपाइल uh, करके फिर वो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है अच्छा सर जिस तरह दो इसके पार्ट्स हैं एक सब्जेक्टिव है एक ऑब्जेक्टिव uh, है, है सर काइंडली ये बता दीजिए कि हर पार्ट के लिए टाइम ड्यूरेशन uh, क्या है अच्छा जो टाइम ड्यूरेशन है ये क्वेश्चन जो है जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं इन इन एग्जामिनेशन सेंटर उस वक्त ही ये काउंट करता है कि अब आपके पास जो क्वेश्चन आया है उसमें किसी क्वेश्चन के ऊपर आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जी जी. और उस क्वेश्चन को क्या वेटेज दी है एग्जामिनर ने तो ये हम प्री डिफाइन नहीं करते हैं इस बात को पहले से कि हमें आ, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है लेकिन जो क्वेश्चन जब हमारे पास आता है अगर एक क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स का है तो ज़ाहिर है वो टाइम लेगा अगर एक क्वेश्चन सिर्फ डिफाइन पर है टू मार्क्स का है या फाइव मार्क्स का है क्योंकि एक क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स भी बनाए जाते हैं तो एक डिफाइन वाले क्वेश्चन के ऊपर आप उतनी उसके मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंगली उसको टाइम एलोकेट करते हैं वैसे जितने भी पेपर्स हैं सी के उसमें थ्री आवर्स एक सब्जेक्ट का टाइम होता है और थ्री आवर्स में अब आने वाले जो टॉपिक्स हैं या उसके जो पार्ट्स हैं या क्योंकि टोटल डिस्क्रप्शन एग्जामिनर की है कि वो किस एरिए को ज़्यादा आपसे पूछता है किस एरिए को कम पूछता है तो अभी तक मोस्टली ऐसा ही होता है कि एवरेजली तमाम पर इक्वल टाइम डिवाइड किया जाता है और आपको एक क्वेश्चन को ऑप्ट करने के लिए उसके टाइम की स्लॉट को चेक करने के लिए ये देखना जरूरी है कि उसके मार्क्स कितने हैं और उसको उतना टाइम दिया ये ना हो कि कम मार्क्स वाले को आप सारा डेढ़ घंटा ही उस पर जाय कर दें और फिर आने वाले अगले क्वेश्चन पर आप ना जाए मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने उसको एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई किए हुए अच्छा सर जैसा कि आपने बताया मार्क्स मार्क्स का पेपर होता है इसमें कितने होते हैं हमने पिछले एग्जाम में भी आ, ये क्राइटेरियन नाजिन से शेयर किया था और जो बच्चे इसको सुन रहे हैं उनके लिए एक दफ़ा मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ सी एस एस के अंदर जो हमारे कम्पल्सरी एग्जाम्स होते हैं उन सब में आपको फोर्टी मार्क्स लेने हैं और सौ में से चालीस नंबर लेने हैं अगर आपके उनतालीस मार्क्स भी हैं तो आप फेल कंसिडर होंगे और 40 मार्क्स पे आप पास कंसीडर होंगे और अगर हम ऑप्शनल्स की बात करें तो वहाँ क्राइटेरियन थोड़ा डिफरेंट है वहाँ पर आपको एक ऑप्शनल जो 100 मार्क्स अगर कोई ऑप्शनल 200 मार्क्स का है तो उसका एक पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा तो कोई भी 100 मार्क्स का जो ऑप्शनल का पेपर है उसमें आपके 33 मार्क्स जो है वो होंगे लेकिन तमाम ऑप्शन में अगर आप थर्टी मार्क्स ले लें तमाम जो कंपल्सरी उनमें आप चालीस चालीस मार्क्स ले लें आप आ, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें पास तो कंसीडर होंगे लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल जब आएगी जब आपका एग्रीगेट जो है वो 600 में जाकर yes. बन रहा होगा यानी हाफ ऑफ द 1200 मार्क्स 50 परसेंट जब आप मार्क्स ले लेंगे तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी बट आई सजेस्ट टू ऑल जो एस्पायरेंट्स है इसकी तैयारी कर रहे हैं कि डोंट गो फॉर दी पासिंग मार्क्स गो फॉर दी पोटेंशियल मार्क्स गो फॉर दी टॉपर मार्क्स कि आपके मार्क्स इतने ज़्यादा हों कि जब एलोकेशन में आपके मार्क्स मेरिट ऑर्डर में कर, कंसिडर किए जा रहे हो तो आप सिर्फ पास ना हो बल्कि आप मेरिट ऑर्डर में भी जा कर कम्पीट करें सही अच्छा सर जिस आपने बताया कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है सर ये एक बहुत ही अनलिमिटेड डिस्का सलेबस है तो नाजमिन को ये बता दीजिए कि इसका बेस्ट वे प्रिपरेशन का क्या है अच्छा पहली चीज़ तो मैं तमाम बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अनलिमिटेड सिलेबस सी में बिल्कुल नहीं होता सी एस एस के बारे में ये एक मिथ है कि सी एस एस का पेपर पता नहीं कहाँ से आ जाता है बिल्कुल ऐसा नहीं है सी एस एस का पेपर बिल्कुल डिफाइंड पेपर होता है बिल्कुल उस सिलेबस में से आता है जिस तरह से हम अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं और हम उनको मैं एक सिलेबस और करिकुलम के तहत तैयार करते हैं तो एफ पी एस सी ने टू थाउजेंड सिक्सटीन में एक नया सिलेबस रिवाइज़ किया और उससे पहले उनका जो सिलेबस है वो उनकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है आप जस्ट जाएं और उस को डाउनलोड करें उसमें वर्ड बाय वर्ड हर चीज़ लिखी हुई है कि हमने कहाँ से किस चीज़ के बारे में पूछना है और जब आप एक सब्जेक्ट के बारे में जैसे आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बात करें तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के ऊपर अगर यूनिवर्स का वर्ड लिखा हुआ है तो यूनिवर्स के ऊपर कितना क्वेश्चन आ सकता है उसके लिए हम पाट पेपर्स रिव्यू करते हैं कि इसका स्कोप जो है वो एग्जामिनर किस तरह से इसको एडजस्ट करता है पाँच नंबर के लिए एडजस्ट करता है दस नंबर के सवाल पे एडजस्ट करता है मैक्सिमम बीस नंबर के सवाल पे एडजस्ट करता है इससे ज़्यादा उस वे ऐसे नहीं लिखवाता है आपको जनरल साइंस में यानी हंड्रेड मार्क्स में सिर्फ जन सिर्फ यूनिवर्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो उस उस चीज़ को देखते हुए कि इसका स्कोप कितना है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का तो हम उसको उस लिहाज से प्रिपेयर करते हैं और एक चीज़ और कि जितनी क्वालिटी आपकी प्रिपरेशन में अच्छी होगी आप उस पर रिसर्च अच्छी करेंगे आप उसकी गाइडेड बुक्स पढ़ेंगे आप वो रेलिवेंट बुक्स पढ़ेंगे जो सी में आपने लिखनी है उतना ज़्यादा आपके पेपर में क्वालिटी होगी क्योंकि आपका मुकाबला आप, आप एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में हैं आप मुकाबले के इम्तिहान में हैं यहाँ पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपका मुकाबला बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप घर में आ, कभी पढ़ें और कभी ना पढ़ें और जाकर पेपर दे दें और वो आपका पेपर पास कर देंगे नहीं जो बच्चे कॉन्टीन्यूसली डिटर्मिनेशन से पैशन से और बहुत पैशनेट होकर कॉन्टीन्यूसली कंसिस्टेंसी से पढ़ें उनसे आपका मुकाबला है आपको पहले ये सब चीज़ें अपने साथ कैरी करनी है और फिर आपको चीज़ें तैयार करनी है तो फिर इनशाला अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें अच्छा सर नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर का सर काइंडली पहले तो ये बता दीजिए करंट अफेयर की डेफिनेशन कर दीजिए कि किसको करंट अफेयर कहते हैं एक माह पहले की चीज़ों को कहते हैं दो माह पहले की चीज़ों को कहते हैं किसको कहते हैं अच्छा करंट अफेयर का पेपर जैसे उसमें उस पेपर का नाम ही करंट अफेयर है और ये पेपर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है जब हम इसकी तैयारी कर रहे होते हैं इस पेपर को सिर्फ हमने वो अफेयर्स तैयार करने हैं जो करंटली इस वक्त न्यूज़ का हिस्सा हैं और जो हमारे सिलेबस से इन टच है एफ पी एस सी का सिलेबस थॉरली डिज़ाइंड है आपके रियासती अमूर के साथ जो जिस तरह से रियासत रिया स्टेट ने काम करना है अब उसके अंदर आपके तीन पार्ट्स हैं करंट अफेयर के पेपर के पहला पार्ट है जिसको हम डोमेस्टिक अफ़ेयर्स कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और उसमें भी फिर आगे फर्दर डिवीजन है कि हमारे सोशल इश्यूज़ क्या हैं इकोनॉमी के हवाले से हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं पॉलिटिकली कैसे हैं इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है करंट अफेयर का वो है एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स में कि पाकिस्तान का बाहर की दुनिया के साथ कैसे कनेक्शन है चाहे वो उसके नेबर्स कंट्रीज हों चाहे वो आ, किसी मेजर पावर्स के साथ उसका रिलेशन हो वो इस्लामिक ब्लॉक्स इस्लामिक कंट्रीज से उसका रिलेसन हो और और जो इंटरनेशनल और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशनस है यूरोपीय यूनियन है सार्क है एस है इन तमाम के साथ तो एक्सटर्नली पाकिस्तान किस तरह से देख रहा है और उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है इस पेपर का वो है ग्लोबली जैसे पेंडेमिक है कोविड नाइन्टीन है और फिर इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है वॉर ऑन टेरर है इस्लामोफोबिया है पैलेस्टाइन इशू है कश्मीर भी अब एक इंटरनेशनल कॉज है सो ऑल इशू जो इस तरह के ग्लोबल इम्पैक्ट में आते हैं वो इसके ग्लोबल एरियाज़ के तो इसका सिलेबस डिफ़ाइंड हो गया पहले तो अब अगर ये सिलेबस डिफ़ाइंड हो गया तो अब करंटली इन तमाम एरियाज़ पर क्या न्यूज़ चल रही है इन तमाम एरियाज़ पर क्या अपडेट्स हो रही हैं क्या इस पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान इन इश्यूज़ को किस तरह से देख रहा है उस चीज़ के ऊपर फिर हम प्रपरेशन करते हैं अब अगर आपने पाकिस्तान इंडिया रिलेशन को स्टडी करना है पाक चाइना रिलेशन को स्टडीज़ करना है तो आप पहले पाक चाइना रिलेशन की स्टडी में उसकी टाइमलाइन को तो गो थ्रू करेंगे कि 1947 में पाकिस्तान बना जी और जी। उसके बाद से लेकर चाइना के साथ आज तक हम हमारे साथ क्या अहवाल रहा चाइना और पाकिस्तान का सो ये बैकग्राउंड हमने तैयार किया क्यों क्योंकि अगर हमें बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो फिर हमें करंट जो डेवलपमेंट हो रही है तो ऑफ करंट अफेयर्स में किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड जरूर हासिल करें किसी भी हिस्ट्री से हासिल करें किसी सीनियर से डिस्कशन करके हासिल करें किसी मैंटोर से उसकी गाइडलाइन लीजिए अवेलेबल बुक्स से उसको पढ़िए और उसके बाद फिर उसको करंट जो अखबार हैं हमारे नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं डॉन है ट्रिब्यून है द न्यूज़ है, है उनको पढ़िए और वहाँ से अपना एनालिसिस डेवलप करिए इंटरनेशनल जो मैगजीन्स हैं वहाँ से पढ़िए क्वार्टरली मैगजीन्स बहुत से इंस्टीट्यूट्स आजकल उसको पब्लिश रहे कर रहे हैं उनको जाकर पढ़ें तो आप अपनी पेपर के अकॉर्डिंगली फिर चीज़ों को बहुत अच्छा तैयार कर रहे होते हैं एंड रिच कॉन्टेंट के साथ आप पेपर में जा रहे होते हैं और अब ये एक एक चीज़ जो आपके क्वेश्चन की रह गई वो ये कि करंट अफेयर में एक महीना का करंट अफेयर आता है एफ पी एस सी और पी पी एस सी के जो कॉम्पटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें जो क्राइटेरियन है करंट अफेयर्स का वो टू ईयर्स से लेकर सिक्स मंथ के एम्बेट में है यानी सिक्स मंथ का एम्बेट आपने लाजमी कवर किया हो और क्योंकि जो चीज आज हुई है उसके ताने बाने आज से छः महीने पहले और दे एक दे। साल पहले भी कॉन्टिन्यू होते हैं अफगान वॉर जैसे है अब अफगान वॉर तो पिछले बीस साल से चल रही है सो so, आप एटलीस्ट टू ईयर्स बैक तक उसकी आपको पता बताओ जिसको आपने करंट डेवलपमेंट से कनेक्ट करना है और इसका जो पेपर सॉल्व करना है मैं मैं अपने जो बच्चे अगले पेपर्स में जा रहे हैं उनको भी क्लैरिटी से कहना चाहता हूं कि करंट अफेयर का पेपर करंट अफेयर का पेपर है हिस्ट्री का पेपर नहीं है तो डोंट कंफ्यूज इन पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर करंट अफेयर को आपने सिर्फ करंटली चीजों के डेवलपमेंट के हवाले एनालिसिस करना होगा अच्छा सर ये बता दें कि करंट अफेयर का पेपर उसके टोटल मार्क्स कितने हैं पार्ट्स कितने हैं टाइमिंग कितनी है ये अच्छा पार्ट्स में एक्सप्लेन कर चुका कि जैसे उसके तीन पार्ट्स हैं एक डोमेस्टिक है एक एक्सटर्नल है ग्लोबल एक है, है और हम थोड़ी देर पहले इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके आए जो इसके मार्क्स हैं वो ट्वेंटी मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है और 80 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव है उसमें चार क्वेश्चंस आपने ऑप्ट करने होते हैं यानी 20 नंबर का आपने एक सवाल सॉल्व करना होता है जो इसका ऑब्जेक्टिव एरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो जा रहे हैं आगे कि आप लोग पास पेपर्स में जाएं और पास्ट पेपर्स में देखिए कि हर एक एम वो किस एरिया से बना रहा है तो आपको एग्जामिनर का स्कोप क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनर दो एरियाज़ में से एम बना रहा है एक है कॉन्सटेंट एरिया एक है वेरिएबल कांस्टेंट वो है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है वो कौन सा है अगर हम आ, जो हमारी पहली फोटा एजेंसीज थी जो कि अब डिस्ट्रिक्ट बन गई हैं केपी के, के अंदर उसमें बड़ी एजेंसी कौन सी है अच्छा ये है ये हैं कांस्टेंट क्वेश्चंस अब एक क्वेश्चन ये भी कि आईएमएफ जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था यानी एक डेट फिक्स है ना तो उसमें तो कुछ चीज़ चे चेंज नहीं हो रही लेकिन वेरिएबल एम वो होते हैं अगर आ, किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का या कोई प्रेसिडेंट चेंज हुआ है या कहीं गवर्नमेंट चेंज हुई है या कहीं कोई नई रैंकिंग आई है तो चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं तो वो जो अपडेट आ रहा होता है उसको भी आपने देखना होता है अब कम अज़ कम बीस से बाईस एरियाज़ ऐसे हैं जिसको वो हर साल एम का हिस्सा बनाता है अगर आप सिर्फ पास्ट टेन ईयर्स के एम को एक दफ़ा रिव्यू कर लें तो आप एक पेपर पर पे सारे मार्क कर लेंगे कि इसके पास ये एरियाज़ हैं एम बनाने के कि वो करंसी से बनाता है वो एयरलाइन से बनाता है वो न्यूज़ एजेंसी से बनाता है वो किसी आइलैंड्स हैं बेस हैं इन एरियाज़ में से कांस्टेंट क्वेश्चंस बनाता है और जो डिवेलपमेंट्स हो रही होती हैं रीसेंट पब्लिश बुक्स हैं किसी की पाकिस्तान के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान के अंदर कोई नई हैपनिंग हुई है पाकिस्तान की कोई पर्सनलिटी ने कुछ किया है कोई नॉमिनेट हुआ है फॉर नोबेल पीस प्राइज सो ये सब इट ऑल कम्स इन इन करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का कितना रोल है uh, खास तौर पर जो करंट अफेयर पेपर इसका तैयार करने के लिए अच्छा करंट अफेयर का पेपर तैयार करने के लिए आई सजेस्ट कि आप सोशल मीडिया और जो हमारे एक्स्ट्रा इश्यूज हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है उनको एवॉड कीजिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कुछ भी लिख रहे हो, होते हो आपकी कोई भी लिखी हुई चीज़ वो आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है लेकिन शायद वो किसी फैक्ट

उनके पास स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं होते जो किसी कॉज के अंदर यूज होते हैं किसी स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करने में यूज होते हैं तो वी नीड ब्यूरोक्रेटिक सेक्रेटेरियल अप्रोच वी नीड वी नीड टेक्निकल वर्ड्स टू एक्सप्लेन दी टेक्निकल सो हमें वो चीज रीडिंग से आई सो so, डिपेंड uh, करें uh, जो बुक्स अवेलेबल हैं डिपेंड करें उन सोर्सेज पर जिनको पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ने से आपका रिटर्न एक्सप्रेशन भी ठीक होगा और उसके बाद आपने लिखना भी वही पढ़ा हुआ है और आप उससे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं सो so, सुनने से और uh, कम अज़ कम कोशिश करें कि रिटर्न एग्जाम्स की प्रपरेशन जो है बुक से करें और सुनने वाला काम और सोशल मीडिया और बाकी जो एलिमेंट्स हैं सारे हेल्पफुल हैं लेकिन ये हमारे सेकेंड फेज़ में जाते हैं जब हम किसी इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे होते हैं तो हम उससे अपना ओपिनियन बना रहे होते हैं अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड कोई बता दें कोई प्रिपरेशन बेहतर करने के लिए कुछ सजेशन दे दें करंट अफेयर बेहतर करने का सजेशन यही है कि पढ़िए पढ़िए और पढ़िए सी एस एस में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या ओवर नाइट कोई फार्मूला नहीं है कि आप ये कर लें अगर मैं मैं सारे बच्चे जो सुन रहे हैं मुझे अगर मैं आपको एक रात पहले बता दूँ कि ये पाँच सवाल आने हैं और आपने उनको छः महीने पढ़ के अपनी अप्रोच डेवलप नहीं की आप कल उसको वैसे लिख ही नहीं सकोगे और वो बच्चा जिसने छः महीने से उसको मुसलसल पढ़ रहा है डिफरेंट एंगल से देख रहा है सो एक चीज जो टाइम टेकिंग है वो टाइम लेगी इसको पढ़िए ये पढ़ने से ही पास होगा इस एग्ज़ाम में कोई शॉर्टकट नहीं है इस एग्जाम में कोई गैस नहीं है बिल्कुल किसी की ना सुनिए बिल्कुल किसी गैस पे ना जाइए अपने ऊपर एतम रखिए बहुत ट्रांसपेरेंट एफ का सिस्टम है जो आपको इनशाला इसमें क्वालिफाई करवाएगा सर uh, अगला पेपर जो है वो है पाकिस्तान अफेयर्स सर uh, ये बता दीजिए कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है इसके टोटल मार्क्स कितने हैं पार्ट्स कितने हैं और टाइम जो एलोकेशन होती है वो कितने अच्छा पाकिस्तान अफेयर्स के जो दो ही पार्ट्स हैं एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है इसमें हमारे पास एटी मार्क्स सेम फार्मूला और ट्वेंटी मार्क्स सेम फार्मूला ऑफ ऑब्जेक्टिव आ, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर 712 मोहम्मद बिन कासिम जब बड़े सग़ीर में आया तो उसकी आमद से शुरू होता है और 712 से लेकर फिर ग़नवी रूल है गौरी रूल है और गौरी पर गजनवी और फिर उसके बाद सल्तनतें है।, 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 है उसके बाद फिर हमारा मुगल एरा है मुगल एरा के बाद फिर रिलीजस रिफ़ारमस्ट हैं फिर सर सैद अहमद ख़ान हैं और उनके पूरा टनोर है उसके बाद फिर नाइनटीन का इवेंट है चैम्स रिफ़ॉर्म्स हैं फिर उसके बाद 1935 का एक्ट है नाइनटीन थर्टी फाइव के एक्ट के बाद मेस्ट्रीज़ हैं 1940 और 47 तो ये सारे इवेंट्स जिस तरह मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोले हैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी हिस्ट्री हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो उसका प्री और पोस्ट कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये पहले क्या हालात बन रहे थे तो ये इवेंट हुआ और ये इवेंट होने के बाद उसके इम्पैक्ट क्या हुए तो पाकिस्तान का मौजूदा पाकिस्तान जो बना है इन तमाम इवेंट्स ने उसमें अपना इनपुट दिया है तो आपको हिस्ट्री का प्री 1947 में से आपके दो या तीन सवाल बनते हैं तो आपको हिस्ट्री पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए और उसके बाद पोस्ट 1947 यानी पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के क्या मसाइल थे हमारे इकोनॉमिक इशूज़ क्या थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या थे हमारे पोलिटिकल एरियाज़ कैसे रन हुए हमारी गवर्नमेंट्स कैसे रन हुई पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार चेंज किया गया और फिर आने वाली तमाम डेवलपमेंट्स तो ये भी हम पाकिस्तान अफेयर में पढ़ते हैं इन माय ओपिनियन पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर सीएसएस के तमाम कम्पलसी पेपर्स में सबसे ज़्यादा लेंथी पेपर है और इस पेपर को बच्चे शायद बहुत स्किम करते हैं बहुत कम गो थ्रू करते हैं लेकिन आप इस पेपर को पढ़ेंगे तो आपका ऐसे राइटिंग का कॉन्टेंट भी इसी पेपर से बनता है आपका करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड भी इसी पेपर से बनता है आप इस पेपर के लिए ऑथेंटिक और अच्छी बुक्स की तरफ जाएँ एंड आई सजेस्ट टू एवरी एस्पायरेंट डोंट गो टू दी नोट्स किसी के नोट्स जिसने बनाए हुए और आपने वो नोट्स लेकर उससे तैयारी कर रहे हैं देखिए मैं अपने नोट्स में वो चीज़ रखूंगा ना जो मुझे नहीं आती ताकि मैं उसको याद करूं जी वो जी मैं नहीं लिखूंगा जो मुझे आता, मुझे आता है तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने किसी के नोट्स लिए हैं तो आपने वो लिया है जो उसको नहीं आता था और आपको आपने पहले ही तैयारी आधी की तो आधी तैयारी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आप पेपर में क्या करेंगे जाके तो आई सजेस्ट कि आप किसी एक अच्छी हिस्टोरियंस की बुक्स के साथ अच्छे एनालिसिस के साथ और बहुत अच्छी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं आप उन बुक्स को लें और उसको गो थ्रू करें वन बाय वन और फिर आप अब अब दे इज अ डिफरेंस कि जब आप पाक अफेयर का पेपर सॉल्व करेंगे तो दिस इज थॉरली हिस्ट्री पेपर जी जी। और हिस्ट्री के साथ आप करंट इवेंट्स को रिलेट कर रहे हैं और आप जाते हैं बैकग्राउंड के अंदर आप जस्टिफाई करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान अफेयर्स हैं और जब हम करंट अफेयर में जाते हैं तो इस बैकग्राउंड के साथ हम करंट अफेयर की करंट डेवलपमेंट्स पर डिबेट करते हैं सो so, इस दोनों कॉम्बिनेशन में अब होता ये है और मोस्टली पेपर्स आप बच्चे जब पास पेपर्स देखेंगे कि एक सवाल जो पाकिस्तान अफेयर्स में आया है वही सवाल करंट अफेयर में आया है हम जैसे अफेयर में उस सवाल को सॉल्व करेंगे वैसी अफेयर में करेंगे या करंट अफेयर का सवाल करेंगे वैसे अफेयर में करेंगे लेकिन उन दोनों की डिमांड डिफरेंट है तो कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है और पहले दिन जब हम तैयारी कर रहे हो हम अपने डोमेन्स को पहले दिन करेक्ट रखें जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ये सफिशेंट है जो बच्चा पहली दफ़ा इसको बैठ के तैयारी करने लगा है अच्छा सर जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर सब्जेक्ट काफ़ी वाइड इसका कोर्स भी लग रहा है तो सर ये बता दीजिए कि कम वक्त में हम किस तरह बेहतर तरीके से पाकिस्तान अफेयर का पेपर तैयार कर सकते हैं अच्छा पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर ज़्यादा लेंथी तो है लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल है कि अगर आप दो से तीन घंटे इस की बुक्स को देते हैं और एक साइड से इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं तो ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप इसको एक से डेढ़ मंथ में प्रिपेयर कर लेंगे सारे को और इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लेंथ नहीं चाहिए हाँ आपको प्रॉपर गाइड चाहिए कि आपने पढ़ना कहाँ से है और क्या पढ़ना है जी जी और अकॉर्डिंग टू पेपर पढ़ना है मोहम्मद बिन कासिम पर आप इतना ना पढ़ लीजिएगा पूरी पांच बुक्स ना पढ़ लीजिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम पर सवाल नहीं आना उसका रेफरेंस आना है या उसमें से एम आना है सो हम स्कोप को देखते हुए सी की गाइडेड बुक्स को ही पढ़ना है सिर्फ सही सर नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडी है तो काइंडली ये बता दीजिए कि इस्लामिक स्टडी का पेपर कितने मार्क्स का है इसके कितने पार्ट्स हैं और उसके अलावा इसके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? पेपर और उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में हम सब मुस्लिम हैं और मुस्लिम ये समझते हैं कि इस्लामियत हमारे घर से है और हम शुरू दिन से नमाज हज हज़क़ात हाँ, की बातें सुन रहे हैं तो जो कुछ जा के लिखेंगे ज़ाहिर है वही चीज़ें होती हैं तो बच्चे शायद ओवर कॉन्फिडेंट होकर इस्लामियत को कम तैयार करते हैं एंड uh, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफ पी एस सी की अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो इंग्लिश एस ए और प्रेसी के बाद जो सबसे ज़्यादा फेलोर है वो इस्लामिया के पेपर में तो इस्लामिया के पेपर भी बिल्कुल वैसे ही है बाकी पेपर्स की तरह कि ये ट्वेंटी मार्क्स पे ऑब्जेक्टिव है और एटी मार्क्स पे सब्जेक्टिव है ट्वेंटी मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको थॉरली इस्लामिक हिस्ट्री और हज्फा सल वाल की जो ज़िंदगी है उन से मुनसलिक उनके अजवाज मतहारत हैं और उसके साथ सहाबा कराम हैं और पूरा उनका टन्योर है हिजरत का टनैर है मक् का है मदीना का है और फिर उसमें गजवात का जिक्र है इन तमाम चीज़ों पर हम नेटिग्रिटी में एम सी क्यू उस करते हैं और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो इंटायरली डिफरेंट है कि जो नमाज है रोज़ा है बुनियादी अकायद है आ, इस्लाम का वर्जन ऑफ़ रियासत क्या है इस्लाम डेमोक्रेटिक रियासतों पे बिलीव करती है किस तरह का खिलाफत का निज़ाम है इस्लाम का मुशी निज़ाम क्या है इस्लाम का जो माशरती हमारा सोशल जस्टिस सिस्टम है वो कैसे है और इस्लाम एक वाद पेपर है सी एस एस के अंदर जिसको आप उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं यानी सी एस एस का सारा एग्जाम हम इंग्लिश में देते हैं लेकिन इस्लामियात में ये ऑप्शन आपके पास है कि आप इसको उर्दू में भी कर सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं क्योंकि हमारे करिकुलम के अंदर स्टडीज़ में कुछ बच्चे इंग्लिश से पढ़ के आ रहे होते हैं तो वो इंग्लिश में ही जा रहे होते हैं और कुछ बच्चे उर्दू में इस्लामियत को पढ़ रहे होते हैं तो वो उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप, आप इसको उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं डेंजरस पेपर इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको हम ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से तैयार नहीं करते इसको तैयार कीजिए और इसका पोटेंशियल भी 70 टू 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 है जो आप ले सकते हैं सर मेरे ख्याल से तो इस्लामिक स्टडी का पेपर खासा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें अहादीस को भी कोट करना होता है इसके अलावा आयात को भी कोट करना होता है तो वो ये बता दीजिए कि किस तरह बेहतर तरीके से हम कम वक्त में इस पेपर को तैयार कर सकते हैं अच्छा उसनाद जैसे आपने कहा कि मुश्किल है मुश्किल उनके लिए जो पढ़, पढ़ते नहीं हैं तो अगर आप हदीस को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी अगर आप आयत को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक मुश्किल पेपर है आप जिस भी चीज़ को टाइम देंगे उस पेपर आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठेंगे तो आपको चीजें अच्छी तैयार होंगी सर थैंक यू सो मच नाजरीन हमारे दो सब्जेक्ट कंपलसरी रह गए हैं इंग्लिश प्रीसाइज एंड कंपोजिशन इसके अलावा इंग्लिश ऐसे राइटिंग उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके अलावा आपकी क्यूरीज जो हमें सोशल मीडिया पे मशूल हुई हैं वो भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए अल्लाह नगेबान